हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डिल्यूज वाल्व दिखाने वाला हूँ, HD डिल्यूज वाल्व। बट उसे दिखाने से पहले मैं आप लोगों को फायर वाटर स्प्रे सिस्टम के बारे में बताता हूँ। फायर वाटर स्प्रे सिस्टम बेसिकली दो तरह का होता है, एक मीडियम वेलोसिटी फायर वाटर स्प्रे सिस्टम हो गया, एक हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम हम कहाँ यूज़ करते हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है। मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम हम बेसिकली केबल सेलर में यूज़ करते हैं या सबस्टेशन में, और हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम बेसिकली ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम में स्मोक डिटेक्टर के थ्रू मतलब सेंस होता है और पता चलता है कि आग लग गया है, और हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम में QVD लगा होता है जो ट्रांसफार्मर में के पास रहता है। QVD जिसको क्वाड्राइज बल्ब डिटेक्टर बोलते हैं। हीट मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पर जब आग लगती है तो वो 79 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पे वो QVD फट जाता है, इसके वजह से हमारा डिटेक्शन लाइन से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, प्रेशर रिलीज़ होने के बाद हमारा जो ट्रांसफार्मर का वाटर स्प्रे सिस्टम है मतलब फायर स्प्रिंकलर सिस्टम जो है चालू हो जाता है, और हमारा ट्रांसफार्मर को आग लगने से वो बच जाता है अगर वो सही टाइम पर चल जाए तो। मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम जो है हम बेसिकली वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर किसी पदार्थ में आग लगने का जो फ्लैश पॉइंट होता है लेस देन 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसमें इमल्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। और हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम क्या है, वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे जिसका आग लगने का जो वस्तु होता है उस वहाँ पे उसका जो फ्लैश पॉइंट है अगर 65 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम यूज़ करते हैं। इसमें इमल्सिफिकेशन पॉसिबल है, यहाँ पे इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसके थ्रू भूज जाता है। और इमल्सिफिकेशन का मतलब हुआ कि एक लेयर बन जाता है, नॉन कम्बसिबल लेयर जिसको वाटर और फायर का मिक्सचर को बोलते हैं, एक लेयर बनेगा वो कहाँ पे, जहाँ पे बर्न हो रहा है, बर्निंग ऑयल पे जाके, और वो आग को बुझा देगा, यही है इमल्सिफिकेशन। तो हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम में इमल्सिफिकेशन पॉसिबल है, और मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम में इमल्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखना है। मीडियम वेलोसिटी में क्या है, फ्लैश पॉइंट लेस देन 65 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम में फ्लैश पॉइंट जो है 65 डिग्री से ज़्यादा और या सेम होगा, 65 डिग्री या उससे ज़्यादा होगा तो हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम यूज़ करते हैं। इसीलिए हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम हम ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, और मीडियम वेलोसिटी केबल गैलरी या केबल सेलर रूम बोल लीजिए वहाँ लगाते हैं। HD डिल्यूज वाल्व ट्रांसफार्मर का दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले डिल्यूज वाल्व को बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले उसके बारे डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, उसके पार्ट्स के बारे में क्या क्या है डिल्यूज वाल्व में। ये हमारा डिल्यूज वाल्व का सबसे पहले ये कंट्रोल बॉक्स है, ये देख लीजिए, ये कंट्रोल बॉक्स है, और ये हमारा डिल्यूज वाल्व हो गया। डिल्यूज वाल्व के ऊपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए प्राइमिंग लाइन बोलते हैं इसको, और नीचे वाला जो है ये मेन हेडर है, ये मेन हेडर का गेट वाल्व है, मेन हेडर हो गया, और ये हमारा पतला पाइप जो आप देख रहे हैं ये प्राइमिंग लाइन भी इसको बोलते हैं, जो ऊपर से जाके प्रेशर मेंटेन रखता है, ये उसका प्रेशर गेज है, आप देख सकते हैं ये मेन हेडर है, इसे स्ट्रेनर बोलते हैं। जब पानी यहाँ से जाता है इसके बीच में कुछ कचरा उचरा ना हो, मतलब मेन लाइन में कचरा ना चला जाए जहाँ से पानी जो स्प्रे होता है, तो उसके लिए स्ट्रेनर रखा गया है कि कुछ भी मटेरियल अनवांटेड पार्टिकल्स जो है इसमें वो एक तरह से छन जाएगा, मीन वो फिल्टर हो जाएगा। ये हमारा आउटगोइंग लाइन है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ये आउटगोइंग लाइन है, और ये उसका गेट वाल्व है जो सीधा जा रहा है आउटसाइड में, ये गॉन बेल बोलते हैं इसको, फायर के टाइम पे ये बजेगा। ये हमारा सोलेनोइड वाल्व है, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोलेनोइड वाल्व हो गया, ये मैनुअल रिलीज वाल्व हो गया इसको मैनुअली ऑपरेट करने के लिए, और ऊपर में जो आप देख रहे हैं वो प्रेशर स्विच है, और यहाँ से पानी ड्रेन होता है। ड्रेन जब ट्रांसफार्मर में आग लगेगी तो हमारा जो QVD है क्वाड्राइज बल्ब डिटेक्टर वो 79 डिग्री से ऊपर होने से वो फट जाएगा, डिटेक्शन लाइन से क्या होगा कि पानी को रिलीज़ कर देगा, वहाँ से क्या है कि पानी रिलीज़ हो जाएगा डिटेक्शन लाइन से, जिसके वजह से हमारा जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है
ऑन हो जाएगा और हमारा ट्रांसफार्मर बच जाएगा आग लगने से, बस यही है। बट ये ऑटो में था, अब मैनुअली अगर हम अपने से अगर इसको चालू करना चाहेंगे तो मैनुअली भी हमको पानी रिलीज़ करना होगा, वाटर रिलीज़ करना होगा, प्रेशर ये इसके थ्रू होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं मैनुअल रिलीज स्टेशन, इसे खोलेंगे तो खुला ही हुआ है। ये देखिए इसके पीछे में आपको दिखेगा एक नॉब है, इसे ओपन करने से क्या होता है कि प्रेशर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज होगा। ऊपर का क्या है, पानी वाटर रिलीज होगा तो प्रेशर जो है कम हो जाएगा और इसकी वजह से डिल्यूज वाल्व का जो ये है अंदर का जो डायफ्राम है वो ऊपर हो जाएगा और हमारा जो पानी है मेन हेडर से जो आ रहा है वो आउटगोइंग की तरफ चल जाएगा। इन केस ऑफ फॉल्ट, अगर हमारा फॉल्ट रहा और ये सिस्टम नहीं वर्क किया तो उस टाइम पे हमारा जो एक इमरजेंसी लाइन है, इमरजेंसी वाल्व है ये, इसे मैं ऑपरेट कर दूंगा, इसे मैं घुमा दूंगा तो वो डायरेक्ट पानी जाएगा उधर और हमारा जो ट्रांसफार्मर बच जाएगा। ये इसका कंट्रोल बॉक्स है। डिल्यूज वाल्व को ऑपरेट करने का दो तरीका है, एक तो मैनुअली है और एक हमारा ऑटो है, मैनुअल एक्टिवेशन बोलते हैं ना, ऑटो एक्टिवेशन। मैनुअल एक्टिवेशन में क्या होगा, हम लोग तो एक तो यहाँ से मैनुअली रिलीज़ कर सकते हैं प्रेशर, वाटर को रिलीज़ हो जाएगा तो प्रेशर डाउन हो जाएगा। दूसरा है क्या है, लोकल पुश बटन, लोकल पुश बटन से भी हम लोग मैनुअली कर सकते हैं डिल्यूज वाल्व को स्टार्ट। तीसरा क्या है, थ्रू DCS, मतलब हम लोग कमांड देंगे थ्रू कंप्यूटर और इस सोलेनोइड के थ्रू ये ऑपरेट हो जाएगा। और ऑटो एक्टिवेशन में होता क्या है, QVD, जब रियल में आग लगेगी तो QVD हमारा एक सर्टेन टेम्परेचर पे QVD जो है वो फट जाएगा। फटने की वजह से क्या होगा कि हमारा डिटेक्शन लाइन से पानी रिलीज़ होगा, पानी रिलीज़ होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा ऊपर का और हमारा जो डायफ्राम जो है बैलेंस कंडीशन में था वो अनबैलेंस हो जाएगा और हमारा जो मेन हेडर से पानी ऊपर आएगा और आउटगोइंग लाइन थ्रू पानी चला जाएगा। तो बस इतना ही है, जब वो उस कंडीशन में क्या होगा, उसी कंडीशन में ये गॉन बेल भी बजेगा। आप लोगों को मतलब पता चलना चाहिए कि ये ऑपरेट हो गया है, इसी के लिए गॉन बेल उस टाइम ऑपरेट होगा। सेम वैसे ही 3T का भी है, ये 3T का कंट्रोल बॉक्स है, देख सकते हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर का नाम है 3T ट्रांसफार्मर, ये उसका डिल्यूज वाल्व है। सेम वैसे ही आपको फिर से बता देता हूँ, ये हमारा डिल्यूज वाल्व हो गया, देखिए ये प्रेशर स्विच है वहाँ पे। ये डिल्यूज वाल्व क्या है, इसके बीच अंदर में एक बैलेंस डायफ्राम है जिसको बैलेंस रखने के लिए ऊपर से प्रेशर बनाया जाता है थ्रू प्राइमिंग लाइन, और एक नीचे हो गया हमारा मेन हेडर हो गया, ये मेन हेडर हो गया, देख सकते हैं मेन हेडर का भी प्रेशर जो है 7 kg 6 kg के करीब रहना चाहिए। ये उसका वाल्व है, गेट वाल्व बोल सकते हैं, गेट वाल्व, और ऊपर हो गया प्राइमिंग लाइन। इस दोनों का प्रेशर एक बैलेंस रहना चाहिए, बैलेंस रहेगा तभी वो डायफ्राम जो है यहाँ पे रहेगा और ये ओपन नहीं होगा, वाटर पास होने नहीं देगा। इन केस ऑफ फॉल्ट ही वो डायफ्राम अनबैलेंस हो जाएगा। देखिए ये स्ट्रेनर हो गया, किसी भी कचरा उचरा को मतलब फिल्टर करने के लिए मेन लाइन से जो वाटर आ रही है कुछ कचरा ना आगे ले जाए, इसलिए स्ट्रेनर रखा गया है, वो पहले ही फिल्टर कर देगा। ये हो गया प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए है, पानी यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, ड्रेन बोलते हैं, वाटर ड्रेन करने के लिए है, ये भी ड्रेनिंग के लिए है। और मैं क्या बताऊँ, सोलेनोइड वाल्व आप देख सकते हैं, वो सोलेनोइड वाल्व है, ये आउटगोइंग लाइन हो गया उसका, ये आउटगोइंग लाइन का गेट वाल्व है नीचे में, आप देख सकते हैं आउटगोइंग लाइन का गेट वाल्व। ये गॉन बेल हो गया, ये प्रेशर स्विच हो गया उसका, प्रेशर स्विच ऊपर वाले का भी है, सिंपल है। ये इमरजेंसी वाल्व है, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ये ऑपरेट नहीं होता है हमारा तब इमरजेंसी वाल्व को ओपन कर देंगे तो वो डायरेक्ट वाटर जो है उधर दे देगा और हमारा ट्रांसफार्मर जो है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन हो जाएगा और वो बच जाएगा आग लगने से। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्प्रिंकलर फायर सिस्टम का ऑपरेशन भी दिखाऊंगा जो कि हम लोगों ने टेस्टिंग के वक्त लिया था ट्रांसफार्मर का। मेनली हम लोग फायर फाइटिंग वाले टीम लोग के साथ मिल के ऑपरेशन को चेक करते हैं स्प्रिंकलर फायर सिस्टम का। डिल्यूज वाल्व इसमें आप लोग ऑपरेट करेंगे मैनुअली,
क्योंकि हम लोग अपने से कर रहे हैं इसलिए मैनुअली करेंगे। फॉल्ट के वक्त क्या होता है कि वीडियो अपलोड होता है, तो उसका भी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं उसमें ट्रांसफार्मर वॉश हो जाएगा, बट इन केस ऑफ फॉल्ट वो आपको हो जाएगा। सभी लोगों को अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि अगर आप करिएगा तो मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस अच्छे अच्छे बनाने का। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और हेल्प करिए हमारे ग्रो।